वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड आज दिन है, आज दिन बृहस्पतिवार है और 24 सितंबर है। और ये जान लीजिए यहाँ दो दिनों से खूब झमाझम बारिश हो रही है, खूब ठंडा मौसम है, हवा भी खूब चल रही है। मतलब ये जान लीजिए बहुत अच्छा वेदर हुआ है, एकदम बिल्कुल जैसे गर्मी ख़त्म हो गई है। तो आज हम जा रहे हैं रेसिपी आपसे शेयर करने, और दोपहर से ही शुरू किए हैं, इस टाइम 3 बज रहे हैं। तो इसी टाइम से हम कहें कि चलिए आज इसी टाइम से अपना वीडियो शुरू करते हैं, आप लोग से बातें करेंगे। क्योंकि इधर कोई मतलब ब्लॉग नहीं दिए हैं, कुछ भी दिखाए नहीं आप लोग को, बस रेसिपी डाल देते हैं। तो आज हम अपना आपसे आप लोगों से इस टाइम दोपहर से लेकर नाइट तक का रूटीन शेयर करेंगे और डिश बनाएंगे वो भी शेयर करेंगे। तो चलिए बनाते हैं कुछ अच्छा सा डिश, आप लोग से शेयर करेंगे क्या बनाएंगे, चलिए दिखाते हैं। फ्रेंड ये देखिए हम आ गए अपने किचन में। पहले हम जा रहे हैं बनाने मूंग दाल का हलवा, जिसको हम 2 घंटे के लिए भिगा के रख दिए थे, और इसको दरदरा ग्राइंड जार में हमने दरदरा इसको पीस लिया है। और अब हम चल रहे हैं जो है हलवा बनाने। इसको ये देखिए हम निकाल लिए हैं, और ये हम 2 कटोरी मूंग दाल भिगाए थे, ये इसी कटोरी से, ना बहुत ज़्यादा छोटी कटोरी है ना बड़ी, मीडियम साइज़ की कटोरी है। और इधर हम जो अभी अपने गार्डन से पत्ते काट के लाए हैं उसकी हम पकौड़ी बना रहे हैं। उसके लिए हमने चना दाल भिगा दिया 1 कटोरी, 1 कटोरी उड़द दाल और 1 कटोरी हमने चावल भिगा दिया है। और चने के दाल में 5-6 हमने काली मिर्च भी भिगा के रख दिए थे। और इधर 1 इंच हमने ले लिया है अदरक, 2 छोटी प्याज। प्याज डालने से जो गले में खुजली होती, वैसे इस पत्ते से खुजली नहीं होती है। और हमने 2 प्याज डाला है, हरी मिर्च, और आप चाहे तो लहसुन भी इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले ये सारे जो भिगाए थे दाल चावल सब ग्राइंड कर लिए, और अभी हमने चावल को ग्राइंड किए। अब इसमें हम दोनों दाल इकट्ठे डाल के, और जो हम अदरक और हरी मिर्च और जीरा सब, ये सब एक साथ मिला के हम ग्राइंड कर लेंगे। इसको हमें बारीक ग्राइंड करना है, मतलब दरदरा नहीं करना है, क्योंकि ये पत्ते के ऊपर जैसे बेसन लगा के लपेटा जाता है, तो बेसन के जगह से हम ये दाल और चावल का बैटर, बहुत ही टेस्टी ये पत्ते की पकौड़ी बनती है। एक बार ज़रूर आप लोग इस तरह से दाल चावल से बना के देखिएगा, बहुत यमी बनेगा। तो ये देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है, और इस पे और एक तरफ दूसरी तरफ हम अपना हलवा बना रहे हैं। हलवा बनाने के लिए हमें ढेर सारा घी चाहिए, तो 4 चम्मच के लगभग बड़ा चम्मच से हमने घी लिया है, क्योंकि हलवे की जान घी होती है। और इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनना है, तब तक भूनना है जब तक कि इसका पूरा पानी सूख ना जाए, ये बिल्कुल भरभरा ना हो जाए। और इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भूनना है, तेज़ मत करिएगा नहीं तो नीचे से पकड़ लेगा ये। ये देखिए हमारा ये जो है मूंग दाल एकदम परफेक्ट भून चुका है, इसमें से अच्छी सी भिनी भिनी खुशबू आने लगी है। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे, इकट्ठे दूध मत डालिएगा नहीं तो गुठली पड़ जाएंगी इसमें। थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हुए आपको इसमें मिलाना है दूध। और ये देखिए फ्रेंड हम थोड़ा थोड़ा करके 1 गिलास से ज़्यादा, इसमें लगभग 0.5 किलो से ऊपर दूध लग गया था मेरा इतने हलवा बनाने में। और ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डाले हैं। अब इसमें हम 1 कटोरी शक्कर डाल रहे हैं। शक्कर आप अपने आवश्यकता के अनुसार, जितना मीठा आपको पसंद होगा उसी हिसाब से डालिएगा। हमें थोड़ा सा कम लगा इसलिए थोड़ा हमने और ऐड कर दिया। और इसे जो है ये देखिए एकदम ये भदक भदक के, जैसे खीर में बॉयल आती उसी तरह इसमें भी बहुत ही टेस्टी ये मूँग दाल का हलवा बना था। और इसको
अब बच्चे कहे मम्मा हलवा नहीं हम बर्फ़ी खाएंगे, तो उसे मैंने और सुखा दिया। और थाली में ये देखिए हमने घी लगा दिया है ब्रश से, और इसको अब हम जमा दे रहे हैं। तो बच्चों को बर्फ़ी खानी थी इसकी, तो इसलिए हम इसका बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं। आप चाहे तो बर्फ़ी बनाइए, हलवा बनाइए, लड्डू भी बना सकते हैं। लड्डू अगर बनाना हो तो इसमें आपको बुरादा करना है, कभी लड्डू भी हम शेयर करेंगे आप लोग से। तो ये देखिए ऊपर से हम कटे हुए ड्राई फ्रूट, काजू है, बादाम, नारियल, किशमिश सब ऊपर से लगा के इसको जो है फ्रिज में हम रख देंगे, जिससे कि ये ठंडा हो जाए और सेट हो जाए खूब अच्छे से। इसे अब हम फ्रिज में डाल दे रहे हैं। इधर हम अपना मसाला तैयार कर ले रहे हैं। इसमें हमने थोड़ा सा सूखा मसाला ऐड किया, जिसमें गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और भुना जीरा, सारे मसाले इसमें हम ऐड कर लिए हैं। और हम इसमें नींबू का जूस डालेंगे, आधा नींबू हम इसमें डाले हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा नींबू था। और नमक डाल देंगे। फ्रेंड एक बार इस तरह से आप बनाइएगा, हमारे यहाँ इसे रिकवच कहा जाता है, सहना कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहा जाता है कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर, और कि आप लोग के यहाँ इसको क्या कहा जाता है। कुछ लोग पत्ते की पकौड़ी भी कहते हैं। ये देखिए हमारा ये बैटर एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया। तो चलिए अब इसको हम पत्ते पे लगा के बनाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे बनता है। तो इसमें हम थोड़ा सा क्रश करके अजवाइन डाल दिए हैं और हींग भी ऐड किए हैं। ये देखिए सारे पत्ते वाश करके हम रख लिए थे, लेके आए हैं बाहर से, तुरंत वाश करके रख दिए थे जिससे इसका पानी निकल जाए। ये देखिए इसी तरह से पत्ते के ऊपर पत्ता रख के सबसे पहले बड़ा पत्ता आपको रखना है। इसी तरह एक बार बनाइएगा फ्रेंड और कमेंट करिएगा, बहुत ही अच्छा ये बनता है। ये पत्ता बिल्कुल खुजलाता नहीं है, इसे इसीलिए हम अपने बाहर थोड़ा सा लगा दिए हैं, हमारे परिवार के लिए पर्याप्त निकल जाता है ये। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, जब बारिश का मौसम होता है या ठंडक होता है तो इसकी पकौड़ी आप बना के खाइए, बहुत अच्छा लगता है। और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई थी फ्रेंड, इसलिए हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, जिससे कि आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिए। फ्रेंड पूरा वॉच करेंगे तभी लास्ट से, शुरू से लास्ट तक आप लोग देखेंगे। और हमारा बैटर बच गया था तो हमने इसमें लौकी काट लिया, आलू काट लिया। बच्चे कहे मम्मी थोड़ी सी पकौड़ी भी तल दीजिए। और आज ये हम लोग का खूब हैवी सा जो है शाम का स्नैक हो गया था। इधर देखिए हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है और ऊपर बेसन लगाएंगे दोनों तरफ से, और खूब करारे करारे ये हमारे पकौड़ी खूब करारे बने थे, बहुत टेस्टी लग रहे थे। ये देखिए इसको बॉयल करके भी बनाया जाता है, कभी हम बॉयल करने वाला भी आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे बॉयल करके फ्राई किया जाता है। ये तो आज हम डायरेक्ट फ्राई किए हैं क्योंकि बारिश था तो बारिश में अच्छा लगता है। ये देखिए हमारी जो है ये बर्फ़ी, मूंग दाल की बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया है। इसको अब हम कट कर ले रहे हैं। और आप लोग हमारी ये बर्फ़ी का पीस देख के हंसिएगा नहीं, क्योंकि ये पीस हम बहुत बड़ा बड़ा कट किए हैं, क्योंकि जो हमारी बिटिया रानी है उनको जो है मीठा बहुत पसंद, तो कहीं मम्मा बड़ा बड़ा पीस बनाइएगा। तो इसको आप अपने मतलब शेप में काटिएगा, चौकोर काटिएगा, काजू कतली की तरह काटिएगा, जैसा आप चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। और हमारा शेप बड़ा बड़ा है, इसलिए फ्रेंड प्लीज़ आप लोग इस पर कमेंट मत करिएगा। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी, बहुत यमी बना था, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। आइए आप लोग टेस्ट करिए और बताइए कैसा बना है, आप लोग को पहले खिलाएं हम। इधर हम अपनी पकौड़ी तल ले रहे हैं, इसी बीच लाइट चली गई थी, तो ये देखिए लाइट थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि लाइट चली गई है। आज इतनी लाइट कटी है बहुत ज़्यादा, जब से बारिश हुआ तब से बहुत ज़्यादा लाइट आज कटी है, सुबह से ले कर शाम में। ये जान लीजिए आज पूरे दिन में इन्वर्टर भी ठीक से चार्ज नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा लाइट, आज नेटवर्क की भी बहुत दिक्कत थी, इतनी बारिश हुई है। ये देखिए अब टूथपिन डाल के इसको आप चेक कर लीजिए, अगर टूथपिन चला जाए तो जान लीजिए हो गया। वैसे ये पत्ता बहुत जल्दी गल जाते हैं। इधर हम अपनी पकौड़ी तल ले रहे हैं, ये लौकी की पकौड़ी है, मोटे मोटे लौकी काट के उसे बैटर में हम तले, पकौड़ी भी बहुत क्रिस्पी और करारी बने थे। आइए ये सिरका लिए हैं, और सिरके के साथ ये जान लीजिए बहुत ही यमी लगता है। आप लोग सिरका जानते हैं नहीं कमेंट करके बताइएगा, सिरके के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। ये आलू की पकौड़ी है और ये लौकी है, ये देखिए।
इधर हम आ गए हैं, अब शाम के बज गए थे 8, हमारे बेटे का मालिश का टाइम हो गया था, तो ये थोड़ा सा मस्ती किए हैं और गुस्सा भी हो गए थे क्योंकि इनको सोना था, तो जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक ये सोएंगे नहीं। इधर हम फिर से आ गए किचन में, उनको सुला दिए हैं, बाबू मेरा सो गया खा पी के, और इधर फटाफट से रोटियां सेक ले रहे हैं, पापा जी को भूख लग गई क्योंकि 9:30 बज गए हैं। तो फ्रेंड ये हमारा डिनर, ज़्यादा डिनर में कुछ नहीं बनाए, बस सब्जी और रोटी बनाए थे इसलिए शेयर नहीं किए। इधर हम क्लीनिंग कर रहे हैं किचन की, क्योंकि रात में ही किचन क्लीन करके हम सोते हैं, डेली का हमारा रूटीन है। और फ्रेंड ये वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और जो हमारे नए व्यूवर्स होंगे वो भी हमको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग तक पहुँचाएँगे। फ्रेंड हमारे जो है शाम के रूटीन और नाइट में हम क्या करते हैं, अपने किचन की क्लीनिंग किए हैं, सब कुछ आप लोग से शेयर किए हैं, और मैं डेली डेली अपने किचन को क्लीन करके ही सोती हूँ, क्योंकि जब तक किचन क्लीन नहीं होता तब तक दिमाग में चलता रहता है कि सुबह जल्दी उठना है। और अगर किचन को आप क्लीन करके सोइए तो टेंशन फ्री होते हैं। बाबू थोड़ी देर मस्ती किया उसके पास थे, इस टाइम बज गए हैं 11:30 हो रहे हैं, दोनों बच्चे सो गए हैं, बस एक बिटिया जी जगी हैं, बगल में हमारे बैठी हैं, स्माइल कर रही हैं और जो है हंसा रही है बार बार बैठ के। तो आज हम बनाए हैं मूंग दाल का हलवा, एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही टेस्टी हलवा बना था। और फ्रेंड इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर किए हैं, और इस टाइम हम फेस वॉश किए हैं, और नाइट में जो मतलब नाइट की फेस का जो हम क्लीनिंग करते हैं, फेस में जो लगाते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करके बताइएगा कि हम अपने फेस की केयर कैसे करते हैं नाइट में, हम आप लोग के साथ नाइट रूटीन अपना फेस का ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर आप लोग से मिलेंगे, आशा कर रहे हैं कि ये वाला ब्लॉग आप लोग को बहुत पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो अच्छा सा कमेंट करिएगा, और जो है आप लोग को जो भी मतलब जानना रहे स्किन के बारे में, फेस के बाल के, तो कमेंट करके पूछिए, ज़रूर बताएंगे। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर करिए, और फिर नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।